भिलवाड़ा शहर में 15 नवंबर को हुई बड़ी नकबजनी घटना का शुक्रवार को खुलासा हुआ। भीमगंज पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार किया और माल बरामद कर सफलता हासिल की। आपको बता दें कि मुलजिम मकान मालिक के यहां करीब 15 सालों से चौकीदारी का कार्य कर रहा था और वह सट्टा खेलने का आदि था। भीमगंज थाना पुलिस ने 85 तोला सोना व 2,68,000 रुपए का नकद बरामद किया है। आरोपी के विरुद्ध पहले से ही 5 प्रकरण जुआ और सट्टा के पंजीबद्ध हैं। आपको बता दें कि 15 नवंबर को प्रार्थी तुर्राब अली पिता हकीमुद्दीन बोहरा निवासी प्रेमनगर सांगनरी गेट भिलवाड़ा ने भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी थी और बताया था कि वो घर से कुछ घंटों के लिए बाहर गए थे। वापस आकर देखा तो पता चला कि घर से नकदी व गहने गायब थे। थाना भीमगंज पुलिस ने गजेंद्र सिंह जोधा आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया और आरोपी सहित माल बरामद कर सफलता हासिल की। भीलवाड़ा शहर में भीमगंज थाना क्षेत्र में दिनांक 15 नवंबर को दिन के समय एक नकबजनी की वारदात हुई, जिसमें करीब 85 तोला सोना और 5 लाख रुपये नकद चोरी किए गए थे। घटना गंभीर थी, सो मेरे द्वारा, यूएसपी द्वारा, एसएचओ द्वारा, हमारी साइबर टीम द्वारा, डॉग स्क्वाड, एमओबी, सभी टीमों को मौके पर ले जाया गया। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि वारदात करने वाला कोई घटनास्थल से और उस मकान से और उसमें सामान कहाँ रखा हुआ है उससे परिचित हो सकता है। उसी लाइन पे हमने काम किया। विशेषकर हमारी साइबर टीम ने BTS और CDR का एनालिसिस किया और वहाँ से निकलने वाले चारों रास्तों पर जो CCTV कैमरेज लगे हुए थे उन फुटेज को प्राप्त किया और मुखबिरी से हमने कुछ चीज़ें जानकारी करी तो ये सामने आया कि परिवादी का सुरक्षा गार्ड जो है, जो पिछले 15 साल से उनके वहाँ नौकरी कर रहा है, क्योंकि उस दिन परिवादी कहीं बाहर गए हुए थे। परिवादी के पुत्र और उनकी पुत्र वधू वो भी पुष्कर की तरफ गए हुए थे। घर सुना था, घर पे कोई नहीं था, गार्ड अकेला था और इसी अवसर पर उसने, क्योंकि उसको चाबी की भी जानकारी थी, एंट्री की पूरी जानकारी थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उसकी जानकारी थी और उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। किन कारणों के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया? प्रथम दृष्टया ऐसा सामने आया है कि ये जुए सट्टे का आदि है और उस जुए सट्टे के कारण इसके ऊपर कर्ज भी हो गया, उसके कारण से इसने घटना को अंजाम दिया है।